मेरी बेटी कोचिंग पढ़ती थी चंदपुर काजियान, पड़ोस में जोगियान है, कोचिंग जाती थी, लगभग 5:30 बजे घर पे आ जाती थी। फिर मैंने पता करा कोचिंग में, तो उनसे जानकारी मिली, लड़की वहाँ से चले गई। फिर मैंने बहुत तलाश करा, 9 बजे तक बेटी नहीं मिली थी। लगभग 9:10 में इंस्पेक्टर साहब ने कहा, एक बेटी आपकी, ये पता नहीं किसकी बेटी है, रेलवे मथुरापुर स्टेशन के पास में एक लड़की कटी पड़ी है। फिर लोग, हम लोग, हमारे परिवार के लोग सब लोग पहुंचे थे वहाँ पे देखने के लिए, तो वो हमारी बेटी भी थी। वो एक लड़का है विजय मौर्य, विजय मौर्य लड़का है, उसको मैंने देखा था और एक आज बार से और शिकायत करी थी, हाँ बच्ची को परेशान मत कर, बच्ची को परेशान मत कर। फिर उसने अपने ना कई बार समझाने के बाद वो नहीं माना था। फिर मैंने पुलिस में अभी तहरीर देकर आया, मुकदमे लिखवाया मैंने। विजय का पिताजी, एक लड़का बैठा लिया पुलिस ने अभी, हाँ उसी लड़का ने दिया, विजय मौर्यान धक्का दिया है, हाँ विजय मौर्यान लड़की धक्का दिया, और मेरे भतीजे ने देखा भी है। लगभग 4-5 महीने से लड़की को परेशान कर रहा था, बच्ची ने नहीं बताया था मेरे लिए, हाँ बच्ची ने नहीं बताया, अगर बच्ची बता देती तो आज इतनी बड़ी घटना नहीं होती। बच्ची के तो कहना हो, 2 पैर और 1 हाथ कट चुका है, उसका इलाज चल रहा है अभी भास्कर हॉस्पिटल में, अभी कुछ कह नहीं सकते हैं। मैं चाहता हूँ अगर ये मुझे न्याय होना चाहिए इसके साथ में, बच्ची साथ में। परिवार ने हमें बयान दी है, उसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। इसमें जो एक मुख्य अभियुक्त है और उसके पिता, दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है और उनके खिलाफ से भी कार्रवाई वो की जा रही है। इसके अलावा इसमें पूरे घटना में जो थाना प्रभारी और वहाँ के हल्का प्रभारी और पीठ के आरक्षक, उनको क्षेत्र में सही तरीके से जानकारी न रखना, इसके लिए उनको निलंबित किया गया, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की। बहुत ही दुखद घटना है और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ने इसका स्वयं संज्ञान लिया है। मेरे और SSP साहब, SDM, एडिशनल SP एवं अन्य अधिकारीगण द्वारा हॉस्पिटल का प्रबंधन किया गया है। अभी तक अभियुक्त और उसके पिताजी को अरेस्ट कर लिया गया है और सरकार की तरफ से, और मैं भी आपको एश्योर करवाता हूँ, हमारे साथ SSP साहब भी हैं, कि अभियुक्त का जांच करके कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जहाँ तक कि बच्ची का सवाल है, तो अभी ये भास्कर हॉस्पिटल है, वहाँ हॉस्पिटलाइज्ड हैं, मैं और SSP साहब मिले हैं। कंडीशन डॉक्टर द्वारा सही नहीं बताई गई है, तो CMO साहब से मेरी बात हुई है, इमीडिएटली हम उनको यहाँ के बेस्ट हॉस्पिटल में ALS एम्बुलेंस में मेडिकल टीम के साथ शिफ्ट कर रहे हैं और उनके जो इलाज में खर्चे होंगे उसकी सारी भरपाई सरकार करेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से परिवार को इमीडिएटली 5 लाख रुपये का कंपेंसेशन का अनाउंस किया गया है, जो कि हम अति शीघ्र ही उनके पिताजी से मेरी बात हुई है दे देंगे। बाकी प्रशासन द्वारा हर एक तरीके का जो भी मदद होगा वो परिवार वालों को और जो बच्ची हैं उनको प्रोवाइड करवाया जाएगा।